नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कोहेसिव और अडहेसिव फोर्सेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोई भी सब्सटेंस हो या हो मटेरियल, उसमें लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही वो फोर्स होता है जो कि सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को थामे रखता है, चाहे सब्सटेंस हो सॉलिड या हो लिक्विड। गैसेस के केस में यह फोर्स बहुत ही कम होता है, हम कहेंगे निग्लिजिबल होता है, इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स हवा में बिखर जाते हैं। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की दो टाइप्स है, कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स। पहले हम जानेंगे कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस और सेम टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। इसी का मतलब यह है कि कोई भी सेम टाइप ऑफ मटेरियल हो तो उसके मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्स रहेगा, उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। उदाहरण के लिए हम लेंगे वाटर, तो वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स हमें दिखाई देगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। इसके बाद हम देखेंगे अडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन, जो कि कुछ इस प्रकार है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल इज कॉल्ड एज अडहेसिव फोर्सेस। अडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में मौजूद होता है। इसका एक सामान्य सा उदाहरण देखा जाए तो हम लकड़ी को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं फेविकॉल, इसे ही कहते हैं अडहेसिव। अब लकड़ी के मॉलिक्यूल्स के बीच में और फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, उसे ही हम कहते हैं अडहेसिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच होता है। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कुछ इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।